I can tell. बालों से बहुत ज्यादा परेशान है आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा टैनिंग हो गई काला है कालापन समय से पहले आपके चेहरे पर बहुत ही ज्यादा बुढ़ापा नजर आने लग गया है तो आज जो होम रेमेडी मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूं। इस रेमेडी के इस्तेमाल से फ्रेंड्स आप अपने फेशियल हेयर बालों से तो छुटकारा पा ही सकते हैं साथ ही अपनी स्किन को काफी ज्यादा यंग टाइट एंड यूथफुल बना सकते हैं आज की होम रेमेडी आपके चेहरे के अनचहे बालों को रूट से रिमूव करेगी साथ ही आपकी स्किन पर व्हाइटनिंग का काम करेगी आपके चेहरे पर यदि दाग धब्बे हैं तो उन्हें भी करेगी सो so, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग एंड पावरफुल है आज की ये होम रेमेडी so, पूरी प्रोसेस को जानने के लिए हमेशा की तरह आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यदि आज की होम रेमेडी आप सभी को पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत लेगा ऐसी और होम रेमेडीज देखने के लिए आप मेरे चैनल पर को विध वेल लाइकन सब्सक्राइब कर लीजिएगा होम रेमेडीज देखने के लिए सो so, बिना देरी करते हुए चलिए आइए फटाफट से अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं इस होम रेमेडी को बनाने के लिए मैंने यहाँ सबसे पहले लिया एक क्लीन बाउल और उसमें जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट हम ऐड करने वाले हैं वो है कोकोनट ऑयल तो यहाँ आधा चम्मच के करीब मैं कोकोनट ऑयल इस बाउल में ऐड कर दूंगी कोकोनट ऑयल में फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जो कि हमारी ड्राई स्किन डल स्किन में नई जान लेके आता है ये हमारी स्किन के जो डैमेज सेल होते हैं उनको भी रिपेयर करता है ठीक है फ्रेंड्स इसके बाद इसमें मैं एक चम्मच के करीब ऐड करूंगी नींबू का रस जो कि स्किन पर व्हाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग का काम करता है इसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है जो कि हमारे कलर कॉम्प्लेक्शन को भी फेयर करता है वैक्सिंग कराने से जिन लोगों की स्किन काली पड़ने लगती है तो उनकी स्किन को व्हाइटन भी करता है साथ ही फ्रेंड्स स्किन 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 को को मॉइस्चराइज करने के 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 लिए लिए फुल टाइम हाइड्रेशन देने एंड पर किसी भी तरीके की वैक्सिंग दौरान अगर एलर्जी हो जाती है सेंसिटिव स्किन है यदि आपकी तो उस पर एलोवेरा जेल बहुत अच्छे से काम करता है तो उसके लिए यहां मैंने प्लांट वाला एलोवेरा जेल लिया उसका एक पीस लिया है उसको अच्छे से वॉश कर लिया है एंड उसका जो पीस है हम उसे अच्छे से रिमूव करके उसका जितना भी जेल है हम इस तरीके से जैसा कि मैं वीडियो में आपको करके दिखा रही हूं इस तरीके से आप निकाल लेंगे फ्रेंड्स अल्टा वाले ट्रे से भी हमारी स्किन को यह बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करता है अगर आपकी स्किन गर्मियों में बहुत ज्यादा टैन हो जाती है स्किन पर बहुत ज्यादा रैशेज हो जाते हैं तो उस पर भी ये रेमेडी बहुत अच्छे से काम करने वाली है इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट हमारी स्किन को हेल्दी बनाते हैं एलोवेरा जेल हमारी स्किन को फुल टाइम हाइड्रेशन देता है ड्राई स्किन डल स्किन वालों के लिए तो एलोवेरा जेल एकदम वरदान सा है ये स्किन में नई चमक लेके आता है और इसमें एजिंग के गुण भी पाए जाते हैं जो कि हमारे चेहरे पर आने वाली झूरियों को कंट्रोल करता है ये हमारी स्किन को फुल टाइम हाइड्रेशन रखता है जिसकी वजह से हमारी स्किन ड्राई नहीं होती है एंड साथ ही हमारी स्किन पर झुरियाँ भी नहीं आती है सो इस तरीके से एक पीस का जितना भी एलोवेरा जेल निकला मैंने

ये थोड़ा सा मिक्स होने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा पर आप धीरे धीरे फैटते जाएंगे इसको, तो सारी होता है, जो की है नमक so, उसके बाद ये सारी चीजें हम अच्छे से और मिक्स कर लेंगे धीरे धीरे फैटते जाएंगे आप देखेंगे जब जब आप इसको इस तरीके से फैटते जाएंगे तो शुरू में तो ये सारी चीजें आपस में एक साथ इकट्ठी हो जाएंगी सी हो जाएंगी लेकिन इस तरीके से जब आप इसे बैठते जाएंगे तो सारी चीजें आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगी और एक स्मूथ सी रेमेडी यह बनके तैयार होगी एंड जब आप इसे ट्राई करेंगे इसके रिज़ल्ट देखेंगे तो इसके आगे आप जो अनवांटेड हेयर को रिमूव करने के लिए आप जो तरह तरह की क्रीम्स का सहारा लेते हैं वैक्सिंग कराते हैं थ्रेडिंग कराते हैं और कुछ लोग तो प्लकर का भी सहारा लेते हैं अपने अनवांटेड हेयर को रिमूव करने के लिए तो उन सब चीज़ों को आप एकदम भूल से जाएंगे क्योंकि ये रेमेडी घर की चीज़ों से ही बन तैयार होगी इसमें किसी तरीके का हमने बाहर का केमिकल ऐड नहीं किया है जो कि स्किन को डैमेज करेगा स्किन पर वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग का काम करने वाला है कोलगेट से बनी ये होम रेमेडी के आगे फ्रेंड्स आप बाहर की फेशियल हेयर वाली रिमूव करने वाली चीजें जो है वो तो एकदम भूल ही जाएंगी ये रेमेडी आपका टाइम एंड पैसा दोनों बचाने वाली है कैसे फ्रेंड्स वैक्सिंग कराने के लिए आप पार्लर जाते हैं लाइनों में लगते हैं घंटों कई बार और यहाँ मैंने रेट पता किए थे पास के पार्लर में तो फोर में फुल हैंड्स यहाँ वैक्सिंग होती है तो आपके यहाँ क्या रेट चल रहे हैं प्लीज मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा एंड अगर आप अपना टाइम एंड पैसा दोनों बचाना चाहते हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को मेरे विद बेल आइकन सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस तरीके की इजी एंड इफेक्टिव चेहरे पर ग्लो लाने के लिए हेयर केयर से रिलेटेड वीडियोस आपको देखने को मिलती रहेंगी सो so ये रेमेडी बन के तैयार है आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं बहुत स्मूथ सी ये रेमेडी तैयार हुई है यदि आपको लगे कि आपकी रेमेडी बहुत ज्यादा लिक्विड ही होगी तो आप इसमें जो पेस्ट है व्हाइट टूथपेस्ट और एड कर सकते हैं यहाँ आप सिर्फ व्हाइट पेस्ट का ही इस्तेमाल करेंगे तो चलिए फ्रेंड्स मैं अपने पैर के कुछ हेयर आपको रिमूव करके दिखाती हूँ पैच टेस्ट करके दिखाती हूँ तरीके से ये रेमेडी काम करेगी सो so, आप भी जब इस रेमेडी को ट्राई करेंगे तो पहले पैच टेस्ट कर लेंगे यदि आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो टेस्ट करने से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये रेमेडी आपकी स्किन पर किसी तरीके की परेशानी तो नहीं क्रिएट करी है वैसे फ्रेंड्स इसमें सारी नेचुरल चीजें हैं आपकी स्किन को किसी तरीके का डैमेज नहीं पहुंचाया जाएगा सो so, फ्रेंड्स इस रेमेडी को आप अच्छे से जहां के भी हेयर रिमूव करने हैं आपको फेस के हैंड्स के लेग्स के अंडर आर्म्स के वहां पर एक थिक लेयर के साथ अच्छे से आप इसे अप्लाई कर लेंगे अप्लाई करने से पहले फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे कि आपकी स्किन एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए किसी भी तरीके का मॉइस्चराइजर ऑयल या फिर कोई भी धूल मिट्टी पॉल्यूशन आपके फेस पर हैंड लेग्स पर नहीं होना चाहिए जहां पर आपने हेयर रिमूव करने हैं तो आप देख सकते हैं थोड़े से पोर्शन पे मैंने यहां इस रेमेडी को अच्छे से अप्लाई कर लिया है पांच से सात मिनट के लिए स्किन पर थोड़ा सा ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद फ्रेंड्स इस रेमेडी को रिमूव कैसे करना है मैं आपको बता देती हूं आप अपने हेयर की अपवर्ड डायरेक्शन में कोई भी कॉटन वाइप कोई भी कॉटन का कपड़ा लेके इस तरीके से जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ हल्के से प्रेशर के साथ इस रेमेडी को रिमूव करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो अनवांटेड हेयर है आपके कॉटन की वाइप में निकल के बाहर आ जाएंगे एकदम रूट से ये रेमेडी बाल जो है हेयर उसको बाहर निकाल के लाती है जिसकी वजह से आपकी हेयर ग्रोथ जल्दी वापस लौट कर नहीं आती है और आपकी हेयर की रूट्स को भी इतना ज्यादा वीक कर देती है कि जिसकी वजह से आपका जो हेयर होता है वो फटाफट से इस रेमेडी के थ्रू रिमूव हो जाता है क्योंकि इसमें हमने एलोवेरा जेल एंड कोलगेट का इस्तेमाल किया था जो कि स्किन के जो हेयर होते हैं उनको बहुत ज्यादा सॉफ्ट बना देता है जिसकी वजह से हम इसे आसानी से रिमूव कर सकते हैं तो यहां मैंने रेमेडी को रिमूव कर रही है थोड़े से प्रेशर के साथ जैसे कि मेरे हेयर काफ़ी रिमूव हो गए आप सभी के सामने विजिबल रिजल्ट हैं किस कि कि तरीके से इस रेमेडी ने काम किया तो फ्रेंड्स जब आप इस रेमेडी को अप्लाई करने के बाद वॉश कर लेंगे तो उसके बाद स्किन को मॉइस्चराइज करना आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे तो उसके लिए फ्रेंड्स मैं आपको एक क्रीम बता रही हूँ जिसको आप जरूर लगाएंगे तो आपको और अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं तो यहाँ मैंने एक चम्मच के करीब लिया है एलोवेरा जेल साथ ही फ्रेंड्स हम यहां चुटकी भर जो फिटकरी है उसे पीस कर इसमें ऐड कर देंगे और इस चीज को अच्छे से मिक्स कर लेंगे यदि वैक्सिंग के दौरान हेयर रिमूव जब आप करते हैं तो आपकी स्किन सेंसिटिव है आपकी स्किन रेड हो जाती है आपकी स्किन पर हल्कि हल्के आपको किसी तरीके इरिटेशन फील होती है तो ऐसे में आप ये वाली जो रेमेडी मैंने क्रीम बनाई है इसको आप बनाएंगे अपनी स्किन पर लगाएंगे अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं मीन्स आपकी जो स्किन है वो रैश फ्री हो जाएगी सेंसिटिव स्किन की जितनी भी रेडनेस है वो सब दूर कर देगी साथ ही जल्दी आपके हेयर दोबारा लौट कर ना आए तो आपकी रूट्स पर भी ये रेमेडी काम करने वाली है क्योंकि जो फिटकरी में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो कि सीधा अनवांटेड हेयर की रूट्स पर वर्क करते हैं उनकी रूट्स को वीक कर देते हैं जिसकी वजह से दोबारा हेयर ग्रोथ वापस नहीं आती है एंड एलोवेरा जेल आपकी स्किन की हाइड्रेशन को मेंटेन रखता है सो so, आप देख सकते हैं इसे मैंने अपनी स्किन पर अच्छे से अप्लाई किया हल्की सी मसाज की एंड इसको इस तरीके से ड्राई होने देंगे सो so फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो उम्मीद करती हूँ आज की होम रेमेडी आप सभी को पसंद आई होगी सो so आप इसे जरूर ट्राई करिएगा इसके रिजल्ट कैसे मिले आपको प्लीज मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा साथ ही चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है या फिर आज आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा ऐसे और वीडियोज देखने के लिए सो so मैं विवाह इस वीडियो का अब यही करती हूँ एंड जल्दी मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना खुद जरा ख्याल रखिए खुश रहिए थैंक यू फॉर वॉचिंग